हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देख रहे थे और उनकी विस्तार में हम लोग आंसर्स देख रहे हैं। इस तरह के हम लोग 35 टेस्ट खत्म कर चुके हैं अभी तक। ये आपका 36वां टेस्ट है और ये आपके सभी क्वेश्चंस आपके आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग 36वें टेस्ट में पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन हमारा? रानी गैडेलियू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रानी गैडेलियू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वह है वैष्णववाद की प्रबल समर्थक थी, ये आपका गलत है। उन्हें रानी की उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दी गई थी, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका एक कथन गलत है, दूसरा सही है। रानी जो गैडेलियू हैं, इनका जन्म 25 जनवरी 1915 को मणिपुर के नोंगखाओ एक रोंगमेई गांव में हुआ था। वह 16 साल की थी जब वह अपने करिश्माई नेता जादोनांग के द्वारा अंग्रेजों द्वारा मारे जाने पर हरका आंदोलन की नेता बनी। यह आंदोलन नागा आदिवासी क्षेत्रों का पुनरुद्धार था। इस आंदोलन में उन्हें देवी चेराचा मडिनिल्लू का अवतार माना गया है। वर्ष 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सेलोंग जेल में उनसे मुलाकात की और उन्हें रिहा कराने का वादा किया। इस दौरान नेहरू ने उन्हें रानी की उपाधि से नवाजा था। ठीक है, तो इसमें आपका दूसरा कथन सही था। क्वेश्चन है आपका दूसरा, वेवेल योजना के प्रावधानों में शामिल थी। भारत में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन, सही है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत की पूर्ण स्वतंत्रता, ये शामिल नहीं था। इसमें केवल एक कथन सही है। यद्यपि मई 1945 में यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया, फिर भी जापानी खतरा बना रहा। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव सरकार चर्चिल के नेतृत्व में भारत में संविधानिक प्रश्न के समाधान पर पहुंचने के लिए उत्सुक थी। वायसराय लॉर्ड वेवेल को भारतीय नेताओं के साथ बातचीत शुरू करने की अनुमति दी। जून 1945 में कांग्रेस के नेताओं को जेलों से रिहा कर दिया गया। इसके पीछे विचार था कि नए संविधान की तैयारी के लिए लंबित गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन करना। वेवेल प्लान के मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित हैं थे, गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के अब्बाद के साथ कार्यकारी परिषद के सभी सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था, हिंदुओं और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, पुनर्निर्मित परिषद को 1935 के अधिनियम के ढांचे के अंदर एक अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करना था, गवर्नर जनरल को मंत्रियों की सलाह पर अपनी बीटों का इस्तेमाल करना था। वेवेल प्लान में ब्रिटिश सरकार ने पूर्ण स्वतंत्रता की कोई पेशकश नहीं की थी। ठीक, क्वेश्चन है आपका तीसरा, क्या है? निम्नलिखित युगों पर हमें विचार करना है और इनमें सही सम्मिलित देखना है। कौन से सही सम्मिलित हैं? ये रचना हो गई और ये लेखक हो गए इसके। नील दर्पण, आपके दीन बंधु मित्र संबंध लेखक हैं इसके, सही है। देवी चौधरानी प्रेमचंद, ये आपका गलत है। आनंद मठ वाकिम चंद चटर्जी, ये आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर तीन में एक और तीन आपका सही है, दूसरा आपका गलत है। क्या है दूसरा आपका गलत है? देवी चौधरानी वाकिम चंद चटर्जी द्वारा लिखा गया एक बंगाली उपन्यास था जो 1884 में प्रकाशित हुआ था। देवी चौधरानी आपका वाकिम चंद चटर्जी द्वारा लिखा गया ये बंगाली उपन्यास था। ठीक है, तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर तीन में सी ऑप्शन सही था, एक और तीन। क्वेश्चन है हमारा चार, क्या है? सूची एक भारत की उपनिवेशित सरकार के अधिनियम और सूची दो में प्रावधान के साथ सम्मिलित करना है। हमें सूची एक है और ये सूची दो है।
रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एक कलकत्ता में उच्चतम एक्ट 1784 न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय और एक्ट 1784 में न्यायालय की स्थापना की गई। फिर आपका चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833 चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति की गई। इसके तहत भारत शासन कंपनी में से ब्रिटिश सम्राट को शक्ति हस्तांतरण, ब्रिटिश इंडिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अधिनियम 1858 की स्थापना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका एक कथन सही होगा। क्या होगा? एक कथन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 5वां। याद रखिए, इस तरह की आपकी जो भी पीडीएफ होती हैं सभी टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से रखी थी? तो आपको बता देना है लाहौर अधिवेशन में। किसमें? लाहौर अधिवेशन में, दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से रखी गई थी। यह तय किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसीलिए आपका 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन है हमारा 6वां, क्या है? इंडियन नेशनल आर्मी के जन्मदाता और संस्थापक थे। इंडियन नेशनल आर्मी के जन्मदाता और संस्थापक थे मोहन सिंह, जिन्हें जापानियों ने 43,000 युद्धबंदी सौंपे थे। इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मूल रूप से सितंबर 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने जापान के भारतीय युद्धबंदियों के साथ मिलकर की थी। ब्रिटिश भारतीय सेना के कैप्टन मोहन सिंह को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के समक्ष समर्पण करना पड़ा था। क्वेश्चन है हमारा 7वां, 3 जून 1947 को कि माउंटबेटन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। यह कैबिनेट मिशन योजना और 20 फरवरी 1947 के एटली घोषणा पत्र के आधार पर बनाई गई थी, ये आपका गलत है। सिलहट और उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत के भाग का फैसला जनमत संग्रह के जरिए किया जाना तय हुआ था, सही है। देसी रियासतों बंगाल की स्वतंत्रता से इनकार, हैदराबाद के पाकिस्तान में विलय से इनकार, ये तीनों संबंधित थी माउंटबेटन योजना से। लेकिन जो इसमें फर्स्ट ए है यह इससे संबंधित नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है हमारा 8वां, क्या है? ब्रिटिश भारत में विभिन्न कारखाना अधिनियमों को अधिनियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ब्रिटिश भारत में विभिन्न कारखाना अधिनियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत किया गया था, सही है। क्या है? सही है। अधिकांश राष्ट्रवादियों द्वारा कारखाना अधिनियमों का समर्थन किया गया था, यह आपका गलत है। राष्ट्रवादियों ने श्रम कानून पर सरकार की पहल को ब्रिटिश विनिर्माण के हित में देखा, यह आपका सही है। सन 1875 में देश के कारखानों में कार्य दशाओं की जांच करने के लिए एक समिति की गठित की गई थी। इस समिति ने कुछ कानूनी प्रतिबंधों के रूप में कारखाना के नियमों की सिफारिश की और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में पहला कारखाना अधिनियम अपनाया गया। राष्ट्रवादियों ने देखा कि श्रम कानूनों पर सरकार की पहल ब्रिटिश विनिर्माण हितों का पोषण करने वाली है, क्योंकि
क्योंकि उन्हें बढ़ती भारतीय प्रतियोगिता और सिकुड़ते भारतीय बाजार का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में अंग्रेजों ने भारत में ऐसे कानून का समर्थन किया जिससे कई भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धी बढ़त को कम किया जा सके, जैसे कामों में घंटों की कमी। इसलिए राष्ट्रवादियों द्वारा इस कानून में की आलोचना और विरोध किया गया था, न कि समर्थन। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका ए ऑप्शन सही है, एक और तीन कथन सही था। क्वेश्चन है हमारा 9, क्या है? एल्बर्ट विल विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से पर विचार करना है, सही कथन चुनना है। एल्बर्ट विल 1883 में वायसराय लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में पेश किया गया था, ये आपका गलत है। इसके तहत भारतीय न्यायाधीश अदालतों में यूरोपीय अभियुक्तों पर चलने वाले मुकदमों की सुनवाई कर सकते थे, ये आपका सही है। एक कथन आपका गलत है और दूसरा सही है। वर्ष 1861 में 1861 में पूरे देश में समान आपराधिक कानून के लागू होने के बाद धीरे धीरे यह परंपरा स्थापित हुई कि प्रेसिडेंसियों में भारतीय न्यायाधीश यूरोपीय लोगों के मुकदमे की सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन जिला स्तर पर इस संबंध में निर्णय सुनाने का अधिकार केवल यूरोपीय न्यायाधीशों को प्राप्त था। लॉर्ड रिपन की कार्यकारी परिषद के एक विधि सदस्य सर सीपी एल्बर्ट ने इस उद्देश्य से एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसमें केस की सुनवाई के संदर्भ में भारतीय न्यायाधीशों के साथ विभेद किया जाता था, क्योंकि उनके अनुसार यह व्यवस्था विधि के शासन के सार्वभौमिक सिद्धांत के विरुद्ध थी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में आपका दूसरा कथन सही था, केवल बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 10, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निम्नलिखित में से किस पत्रिका के उकसावे से प्रेरित होकर लाया गया था? तो याद रखना, अमृत बाजार पत्रिका। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आपका 1878 में आया। इस अधिनियम को वर्ष 1857 के बाद भारतीय और अंग्रेजों के बीच नस्लीय तनाव के परिणाम के रूप में देखा जाता है। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन की अवधारणा के जनक के रूप में किसे याद किया जाता है? लॉर्ड रिपन को। भारत में लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन की अवधारणा के जनक के रूप में याद किया जाता है। उनके 1882 के प्रस्ताव को इसके विकास में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। 1882 के प्रस्ताव में निम्नलिखित सिफारिशें की गई थी। आय के स्रोतों के साथ साथ स्थानीय बोर्डों की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की गई। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय निकायों के माध्यम से स्थानीय मामलों के प्रशासन की नीति को निश्चित कर्तव्यों और आय के उपयुक्त स्रोतों के साथ जिम्मेदारी दी गई। गैर सरकारी लेकिन लोकप्रिय रूप से निर्वाचित लोगों के बहुमत को इन निकायों में स्थान दिया गया। सरकार के हस्तक्षेप को न्यूनतम किया गया। क्वेश्चन है हमारा 12, क्वेश्चन 12। ये आपका विद्रोह है, ये वर्ष है संथाल विद्रोह आपका 1855-56 में हुआ, मुंडा विद्रोह ये आपका 1899 में हुआ। दोनों आपके सही सम्मिलित हैं, क्या है? दोनों आपके सही सम्मिलित हैं। तो इसमें होगा आपका सी ऑप्शन, क्या होगा? सी ऑप्शन सही। क्वेश्चन है आपका 13, क्या है? भारत विभाजन के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो याद रखना है, जेबी किपलानी साहब थे। क्वेश्चन है हमारा 14, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महात्मा गांधी 2 कार्यकालों के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, ये गलत है आपका।
गांधी जी 1924 के बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये आपका सही है। गांधी जी ने केवल एक ही बार 1924 में बेलगांव या बेलगाम की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, इसमें क्या है? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा अगला 15। क्या है क्वेश्चन है 15? निम्नलिखित युगों पर हमें विचार करना है। ये आपके समाचार पत्र हैं और इसके संस्थापक हैं। इसमें सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सही है, अल हिलाल ये अब्दुल कलाम आजाद सही है, नेशनल हेराल्ड महात्मा गांधी ये आपका गलत है। इसमें एक और दो सही है और तीसरा आपका जो आपका नेशनल हेराल्ड था ये सितंबर 1938 में लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, तो इसमें पूछ क्या रहा है, उपयुक्त में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो आपका तीसरा सम्मिलित नहीं है क्योंकि नेशनल हेराल्ड आपका जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया था, ना कि महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, तो इसमें होगा आपका बी ऑप्शन, केवल तीन। क्वेश्चन है हमारा अगला 16। वर्ष 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की गई तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखना है आपको, चार्ल्स कार्नवालिस। कौन था? चार्ल्स कार्नवालिस। क्वेश्चन है हमारा 17। क्या है 17 क्वेश्चन? 19वीं और 20वीं सदियों के दौरान भारत के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों द्वारा कानून में बदलाव के विरुद्ध विद्रोह किए गए। ऐसे विद्रोहों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? तो इसमें आपका कोल विद्रोह, फिर है आपका संथाल विद्रोह, फिर है आपका बस्तर विद्रोह, फिर है वर्ली विद्रोह। तो इसमें क्या होगा? 2, 1, 3 और फिर 4। बस्तर विद्रोह आपका जो था, बस्तर विद्रोह या 1910 में हुआ। कब? 1910 में। वर्ली विद्रोह, वर्ली विद्रोह आपका 1940 में हुआ महाराष्ट्र में। ठीक है, और जो आपका कोल विद्रोह था ये आपका 1831-32 में हुआ, और जो आपका संथाल विद्रोह है ये आपका 1855 में हुआ। कब हुआ? 1855 में। इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 18। क्या है? वुड डिस्पैच किस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है? यूरोपीय ज्ञान के विपरीत अपने ओरिएंटल शिक्षा प्रणाली के लाभों पर बल दिया। गलत, ये आपका गलत है। क्या है? गलत है। डिस्पैच के बाद विश्वविद्यालयी शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए कदम उठाए, ये आपका सही है। तो इसमें आपका दूसरा सही है और एक कथन इसका गलत है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में पहचाना जाने वाला बोर्ड्स डिस्पैच को चार्ल्स बोर्ड्स ने जारी किया था, जो 1854 में कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। इसमें भारत में चलाई जाने वाली शैक्षिक नीति की रूपरेखा का वर्णन था, जो ओरिएंटल ज्ञान के विपरीत सीखने की यूरोपीय प्रणाली के लाभों पर बल देती थी। क्वेश्चन है हमारा 19। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। वर्ष 2019 के लिए पृथ्वी दिवस की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करें। गलत है। पृथ्वी दिवस नेटवर्क संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तत्वाधान में काम करता है, यह भी आपका गलत है। यह दिवस पहली बार 1992 में रियो घोषणा पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया था, यह भी आपका गलत है। तीनों कथन आपके गलत हैं।
पर्यावरण संरक्षण को समर्थन देने के लिए विश्वव्यापी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2019 के लिए पृथ्वी दिवस की थीम थी हमारी प्रजातियों की रक्षा करना। क्या थी? हमारी प्रजातियों की रक्षा करना। पृथ्वी दिवस पहली बार 1970 में मनाया गया था। कब? 1970 में मनाया गया था। वर्तमान में विश्व स्तर पर इसका समन्वय पृथ्वी दिवस नेटवर्क द्वारा किया जाता है। प्रत्येक वर्ष 193 से अधिक देशों में यह दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस नेटवर्क या अर्थ डे नेटवर्क एक गैर लाभकारी संगठन है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में पर्यावरणीय गतिविधियों में विविधता लाना, लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक और सक्रिय बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन था। क्वेश्चन है आपका 20। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हार्बिसाइड्स कीटनाशकों की एक व्यापक श्रेणी है जिसका उपयोग उन अवांछित पौधों और कीटों को दूर करने के लिए किया जाता है जो वांछित फसलों की वृद्धि उनके निकटवर्ती उपज को प्रभावित कर सकते हैं। गलत है। चूंकि यह सतही जल के माध्यम से खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है इसलिए यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। ये भी आपका गलत है। यानी कि दोनों कथन आपके गलत हैं। इसमें सही होंगे आपके हर्बिसाइड्स कीटनाशकों की एक व्यापक श्रेणी है जिसका उपयोग केवल उन अवांछित पौधों को हटाने के लिए किया जाता है जो वांछित फसलों की वृद्धि और उनके निकटवर्ती उपज को प्रभावित कर सकते हैं जैसे घास या खरपतवार। हर्बिसाइड का उपयोग कीटों के लिए नहीं किया जाता है। हर्बिसाइड दूषित पेयजल के माध्यम से खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर सकते हैं और ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो बीच में आपका डी ऑप्शन था। क्वेश्चन है आपका 21। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपुरा की संस्कृति का हिस्सा है? गरिया, धमाल, सुरंग। सुरंग नहीं है, गरिया और धमाल है। इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, 1 और 2। ये आपका जो सुरंग है ये मणिपुर का नृत्य है। कहाँ का है? मणिपुर का नृत्य। क्वेश्चन है हमारा 22। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना। बॉन कन्वेंशन का उद्देश्य समुद्री जीवन की रक्षा और संरक्षण के लिए गहरी समुद्री जालदार जहाज ट्रॉलर के उपयोग को समाप्त करना है। गलत है। रेप्टर MOU प्रवासी प्रजातियों की सुरक्षा के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज है। ये भी आपका गलत है। 22 में आपके दोनों कथन सही गलत है। आखिर सही क्या होगा इसमें? CMS या फिर बॉन कन्वेंशन प्रवासी जानवरों और उनके आवास के संरक्षण एवं स्थायी उपयोग के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। भारत रैप्टर MOU का एक हस्ताक्षर करता है। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। 22 में आपका डी ऑप्शन था। क्वेश्चन है आपका 23। कभी कभी समाचारों में दिखने वाला नॉर्मैंडी प्रारूप संबंधित है आपका नॉर्मैंडी प्रारूप। ये आपका राजनयिक समूह से। क्या है? राजनयिक समूह से। क्वेश्चन है हमारा अगला 24। क्या है? वैक्यूम एक्सटिंग्विश मेथड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वैक्यूम एक्सटिंग्विश मेथड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह दहनशील उत्पादों और वैक्यूम के साथ लो को सोखने पर आधारित है। सही है। यह अंतरिक्ष वाहन और पनडुब्बियों जैसे विशेष रूप से बंद परिवेश वाला वाले वातावरण के लिए उपयोगी है। ये भी आपका सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? सही नहीं है, लेकिन इसमें दोनों कथन आपके सही है। तो इसमें होगा 24 में डी। ना तो एक गलत है ना ही दो, दोनों सही है। क्वेश्चन है आपका 25। मेडागास्कर की निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति IUCN की लाल सूची के अंतर्गत संकटग्रस्त
ग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध है। इंद्री सेल की सिफा का मैडम वर्थे माउस लेमूर, तीनों है क्या है? तीनों है। 25 में आपका तीनों होंगे, यानी कि डी ऑप्शन होगा। तो चलिए, ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। इसी तरह के हम लोग और भी आगे टेस्ट लगाते रहेंगे, ठीक है।